हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग डायरेक्शन। मैं अनिल हनेगावे, फुल टाइम ट्रेडर, ऑथर ऑफ बुक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज विद साइकोलॉजी, एंड दूसरा एक किताब है हाउ टू मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एंड द सीईओ ऑफ ट्रेडिंग डायरेक्शन। मैं इस वीडियो में, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है? देखिए, ये सप्लाई एंड डिमांड जोन एक ऐसा जोन होता है जहां से मार्केट का मोमेंटम आपको कैच करने के लिए आसानी होती है। आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करें, पोजिशनल ट्रेडिंग करें, या बीटीएसटी ट्रेडिंग करें, या कहीं इन्वेस्टर भी है जो अपना पोजीशन ऐड करना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी डिमांड एंड सप्लाई जोन वेरी इंपॉर्टेंट का काम करता है। डिमांड जोन क्या होता है? जहां से एक्यूमुलेशन होता है, मतलब वहां से मार्केट, और देखो मार्केट कौन चलाता है? मार्केट आप, मैं या कोई एक छोटे रिटेल ट्रेडर कोई नहीं चलाता है। जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं उनको अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स, ऐसे जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बैंक्स होते हैं वो मार्केट को चलाते हैं। ये डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ओके, एंड वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। जो भी ट्रेडिंग करना है आपके रिस्क पे कीजिए। एंड जो नए ट्रेडर है स्पेशली, उनको एक मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो नए ट्रेडर को कुछ मार्केट को मैं मतलब कुछ आपको संभल के रहना पड़ता है। टिप्स पे डिपेंड मत रहो, कि डायरेक्टली टिप्स पे जो डिपेंड रहते वो उस पे मत डिपेंड रहो। डोंट शेयर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो नए भी है किसी के साथ यूजर नेम पासवर्ड मत शेयर करो, वरना आपका अकाउंट जीरो हो सकता है। ओके, लर्न एंड ट्राई टू अर्न, पहले सीखो कि कैसे ट्रेड किया जाता है। मैं किसी को भी अपना यूजर नेम पासवर्ड शेयर नहीं करना है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए, मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब ये इससे बताते हैं हाउ टू एंटर, व्हेन टू टेक प्रॉफिट, एंड हु मूव्स द मार्केट। ये इंपॉर्टेंट हमको इस मेथड से पता चलता है। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए यहां पे दिखा रहा हूं कि इंडियन मार्केट जो एनएससी का डेटा है, जो है लगभग जो ट्रेडेड वैल्यू है, मतलब 20 दिसंबर का एक दिन का है। ओके, देखो 43,000 का टर्नओवर है, 43,000 करोड़। ओके, तो लगभग इतना बड़ा टर्नओवर है, तो ये बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का गेम है। उसमें म्यूचुअल फंड भी आते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सब लोग आते हैं वहां पे उसमें। ओके, अब यहां पे देखिए, जो बैंक्स का बाय ऑर्डर है हमको कैसे पहचानना है? देखो यहां पे एक मार्केट यहां पे आया था, यहां से शार्प ऊपर गया, फिर यहां पे गया, शार्प नीचे आया। दो टाइप के मूव करते हैं, मतलब एक लॉन्ग टर्म मूव होता है, ओके, दूसरा इंट्राडे में शॉर्ट मूव होता है, ओके, एंड शॉर्ट मूव। अब ये मार्केट शॉर्ट मूव कर रहा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यहां पे लिया हूं बैंक निफ्टी का, तो यहां से क्या हुआ है, बैंक का बाय ऑर्डर है। देखो ये कैसे, कितना शार्प आया, देखो यहां पे इससे नीचे ये जाने की कोशिश किया, सस्टेन किया क्या? नहीं। ये जो भी रिटेल ट्रेडर ने यहां पे सेल किया था उनको मतलब फंसा के मार्केट एकदम शार्प ऊपर गया है, तो इनको जो फंसा के ऊपर गया है तो ये ऑर्डिनरी ट्रेडर नहीं है, ऑर्डिनरी लोग नहीं कर सकते है। वेरी शार्प, एंड यहां पे बहुत बड़ा कैंडल देखने को मिला 5 मिनट का, तो मार्केट एक शार्प बाद में कंटिन्यूअस फॉलो अप भी देखने को मिला है। अब यहां पे अगर आप देखते हो तो एक बार यहां पे मार्केट में डिमांड बढ़ गया है, तो डिमांड जोन हो गया है। तो यहां पे क्या हो रहा है, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो है वो अपना पोजिशन बाय में बना रहे हैं। 10 दिन के बाद क्या होगा पता नहीं, इंट्राडे में ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हो रहा है। ओके, अब यहां पे डिमांड हो रहा है, ऊपर गया, फिर थोड़ा बहुत नीचे प्रॉफिट बुक करके फिर नीचे आ रहे हैं, और फिर जो रिटेल ट्रेडर यहां पे फिर से फंस चुके हैं।
जो लोग भी यहाँ पे सेल किए बाद में इमीडिएटली इंस्टीट्यूशनल प्लेयर फिर से आ गए हैं, तो ये डिमांड का काम कर रहा है। डिमांड तो यहाँ पे देखो इतना शार्प ऊपर गया कि इनको इनका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे लगाया तो ठीक है, लेकिन रिटेल ट्रेडर यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। क्यों? वो तो स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस उनको मालूम ही नहीं है, तो ये फिर उनका लॉस बढ़ाते हैं अगर उनको ये डिमांड जोन समझ में नहीं आया तो। अब यहां पे देखो मार्केट चला गया ऊपर चला गया। अब यहां पे देखो एक बहुत बड़ा वीक था, वो भी इतने बड़े ऑर्डिन प्लेयर को यहां पे नीचे लाया गया था। यहां पे गैप डाउन ओपन हुआ तो भी ये समझ लेना मार्केट एक रेड कैंडल बनाया है। तो गैप डाउन का मतलब देखो, गैप डाउन भी ओपन हुआ ना तो यहाँ पे एक रेड कैंडल ही फॉर्म हुआ है, क्योंकि उतना अगर सप्लाई होगा तभी तो मार्केट गैप डाउन होगा। थैंक यू। तो यहाँ पे देखो और एक 180 मतलब एक शार्प क्या होता है, आपको एंट्री करना है ना तो इस जोन को एक मार्क करो, एक स्क्वेयर बॉक्स मार्क करो, जोन हो गया ये। एंड यहाँ पे अगर एक रिवर्सल आ गया ऑर्डिनरी, इसको निगलेक्ट करो, एक ग्रीन कैंडल बना है उसके बाद तुरंत इसके लो को एक सॉलिड कैंडल से ब्रेक मिल रहा है तो समझ लेना यस ये छोटे प्लेयर है क्या, रिटेल ट्रेडर। अच्छा मार्केट कौन चलाता है, छोटा प्लेयर, आप, मैं और ये बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, हम तो फॉलो करेंगे मार्केट को, मार्केट कहां जा रहा है। तो यहां पे शार्प सेल देखने को मिल रहा है, तो सप्लाई जोन है, यहां पे सप्लाई हो रहा है। किसका सप्लाई? मार्केट में स्टॉक्स है, सेल कर रहे हैं, उसका सप्लाई बन रहा है। मार्केट एक शार्प फॉल देखने को मिला। फिर यहां पे डिमांड जोन है। अब ये डिमांड जोन यानी कि क्या है, देखो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जो बाय कर रहे हैं ना, इनका बाय ऑर्डर यहाँ पे है एंड इनका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है उसको सेल ऑर्डर बोलेंगे। ये इसके नीचे है, इसके नीचे है, इनका जो भी बाय कर रहे हैं, जो भी बाय कर रहे हैं। अब ये एक बार ऊपर गए, दो बार गए, तीन बार गए, चार बार गए, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो इस बार जब ऊपर गया तो एक शार्प बहुत बड़ा रेड कैंडल मिला एंड उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट के बाद फिर एक 180 बन गया, तो ये समझ लेना ये जो भी बाय किए थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। एंड जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है फिर से नीचे आ रहे, मतलब एक लेवल, एक, दो, तीन, चार बार टेस्ट हो गया है, पांचवी बार जो सब ये जो सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है, ये ब्रेक होगा। तो यहां पे देखो नीचे आ गया, बूम, ये ब्रेक हो गया। तो एक ऑर्डिनरी अंधे प्लेयर की तरह यहां पे बाय मत कर लेना, क्यों? क्योंकि टेस्ट करो, देखो कितनी बार ये टेस्ट है, तो ये चार पांच बार टेस्ट हो गया, तो तीन से चार बार हो गया, तो पांचवी बार ये ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है एंड जो भी इनके सेल ऑर्डर थे वो ट्रिगर हो चुके हैं। जो भी मतलब छोटे प्लेयर जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया है उनके ट्रिगर हो चुके हैं, मार्केट और नीचे चला गया है। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब कोई बोलते हैं कि सर डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट है क्या? यस, डिमांड सपोर्ट का काम करता है। अब सपोर्ट क्या होता है पहले हम समझेंगे। ऑकर्स व्हेन डाउन ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड। देखो स्टॉक मार्केट में परमानेंट कुछ नहीं होता है, मार्केट टेम्पररीली पॉज ले रहा है, पॉज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड मतलब यहां पे जो डिमांड है, एक लोगों का डिमांड नहीं, दो तीन बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, दस मतलब ज्यादा लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है एंड मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, उस लेवल को डिमांड और सपोर्ट जोन बोलेंगे। तो वो हो गया सपोर्ट। दूसरा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑकर्स व्हेन द अप ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते पॉज लिया है एंड टेम्परेली ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सप्लाई, तो मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसके अलग अलग पैटर्न होते हैं, कभी मार्केट ऐसा यू टर्न लेके आता है, कभी वी के शेप में आता है, कभी ऊपर गया एक यम पैटर्न बना के फिर आता है, वो अलग अलग हम मेंटरशिप सेशन में सिखाते हैं, वहां पे आप जरूर ज्वाइन करना।
सप्लाई जोन इज द प्राइस एरिया एट विच द ट्रेडर्स यूजुअली सेल. ओके, तो देखो व्हाट इज डिमांड जोन हो गया यहाँ पे. द कैंडलस्टिक्स दैट मार्क द ओरिजिन ऑफ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आर कॉल्ड एज डिमांड जोन और एक्यूमुलेशन जोन, उसको और दूसरे भाषा में बोलते हैं. तो डिमांड जोन जो करता है वहां से एक अप ट्रेंड देता है डिमांड जोन से. ओके, तो उसको डिमांड जोन बोलेंगे हम. अब अलग अलग एग्जांपल देखेंगे. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सप्लाई जोन एक स्टैटिक नहीं है, यहाँ पे है हालांकि यहाँ पे जाने के बाद में आया, लेकिन एक सप्लाई जोन जो है एक डायनामिक भी बन चुका है. देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर आया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, और जो डिमांड है यहाँ पे इस लेवल को आने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है. तो यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, मार्केट इस बार तो इतना डिमांड बढ़ चुका है कि नीचे भी आने नहीं दिया. जो बायर है यहीं पे पोजीशन अपना ऐड करना शुरू कर दिए थे, एंड इस बार सप्लाई जोन ब्रेक हो चुका था तो ऊपर जाके फिर इसके आसपास ये डिमांड जोन का काम किया है. तो इस स्ट्रक्चर को समझो, इसमें क्या होता है सब लोगों को ट्रैप करते हैं रिटेल ट्रेडर को. तो रिटेल ट्रेडर को क्या है समझ में नहीं आता, स्पेशली जॉब करते हैं उनको तो ये पैटर्न समझ में नहीं आते हैं. तो बाद में प्रैक्टिस के बाद जरूर आपको समझ में आएंगे. इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ये कैंडल से दर्शाता है बिग. निफ्टी का एग्जांपल लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में. तो यहाँ पे बिग सेल हुआ है, सप्लाई जोन का काम किया है. यहाँ पे देखो फिर सप्लाई, यहाँ पे देखो जो इसके ऊपर गया ना तो यहाँ पे फंसने दिया है, और जाने के बाद फिर इनको नीचे लाया गया है. तो ये जो बायर है इनको क्या होता है इनको बेच देते हैं मार्केट. ओके, मार्केट में यानी कि क्या बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर. तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे गैप अप हुआ, तो इसको समझ लो ये ग्रीन कैंडल है, मतलब यहां से डिमांड जोन का काम किया है. तो आपको एक सीपीआर जो वीकली सीपीआर है उसके ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो वहां पे क्या करो, जो ऊपर वाला ट्रैप जोन है स्पेशली ये जो ट्रैप जोन है ये ट्रैप जोन का काम करता है. स्पेशली यहाँ पे देखो एक ट्रैप जोन है, ट्रैप जोन का काम करता है. तो उसके अंदर यहां तक मार्केट नीचे आएगा एंड जो सीपीआर के अंदर और फिर से एक बार ट्रैप करता है. तो यहाँ पे मार्केट आपको जो समझना है इसके अंदर नहीं ट्रेडिंग करना है, और आपको जो इंट्राडे में ये ट्रेड आप ले सकते हैं, एंड जिस दिन नैरो सीपीआर रहेगा उस दिन आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं. तो और बहुत सारे एग्जांपल देंगे आपको. यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, देखो मार्केट यहां से ऊपर चला गया तो ये डिमांड जोन हो गया. ओके, क्योंकि ऑर्डिनरी कैंडल नहीं है तो यहाँ पे ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन किया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो सप्लाई जोन का काम कर रहा है. मार्केट नीचे आया, दूसरे दिन गैप अप ओपन हुआ, एक बुलिश कैंडल देने की जो कोशिश की लेकिन एक सप्लाई जोन वहां पे था, मार्केट फिर से नीचे आ गया. ओके, एंड यहाँ पे देखो इस एरिया में डिमांड जोन था तो मार्केट इसको नीचे जाने दिया, लेकिन नीचे ट्रैप किया सभी को, नीचे जाके फिर इसको ऊपर लेके जाके नीचे आके सो यहाँ पे एक राइट आपको बाय एंट्री बनती है, क्योंकि सिग्नल मार्केट ने दिया है एंड इसके नीचे का स्टॉप लॉस और जो मार्केट है टारगेट जो रहेगा ये सप्लाई जोन. ओके, तो इस तरीके से एक अच्छा ट्रेड, क्वालिटी ट्रेड आप डिमांड एंड सप्लाई को समझते हुए कर सकते हो. इसी को अगर सीपीआर के साथ देखेंगे, सीपीआर बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन, तो यहाँ पे देखो सीपीआर है, डेली सीपीआर है, वीकली सीपीआर नीचे है, तो यहाँ पे उनका एवरेज है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, फिर यहाँ जब मार्केट ट्रैप करते हुए सब एरिया में ट्रैप करते हुए मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, दूसरे दिन मार्केट यहाँ से देखो सीपीआर से फिर पिकअप लेके ऊपर चला गया. तो ये जो एरिया है आपको क्या करना है, ये एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है. ओके, ऊपर जाके यहां से फिर सप्लाई जोन काम किया, मार्केट नीचे आ गया. ओके, तो ये सप्लाई का काम किया, वो एक जोन है. फिर मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे वीकली सीपीआर पे ट्रैप करके करके फिर यहाँ पे ऊपर जाके बूम, एक अच्छा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छा एक, फिर यहाँ पे दूसरी बार क्या किया,
इस सप्लाई जोन को ब्रेक करते हुए गैप अप ओपन दिया। ओके, तो मार्केट कभी कभी इंट्राडे में ये मूव नहीं करता है, ओवरनाइट मूव करता है, तो ये स्किप करता है इंट्राडे में, तो उसको भी आपको समझना होता है। तो एक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी देखो अभी यहाँ पे डिमांड जोन है। ओके, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया सॉलिड, फिर नीचे आ गया, ये जो भी ट्रेडर फंस गए इनको फंसा के फिर ऊपर लेके गया, फिर नीचे आ गया, यहाँ पे फिर से फंसाया, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आके यहाँ पे। अब सप्लाई जोन ये काम कैसे करता है, देखो उस दिन तो मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया था, लेकिन दूसरे दिन गैप डाउन हुआ, क्यों? यहाँ पे सप्लाई जोन था। ओके, सप्लाई जोन था, ये सप्लाई से मार्केट सीधा नीचे आ गया। अब यहां से फिर से एक डिमांड जोन बनाया है, मार्केट ने एक शेप बना के कंसोलिडेशन करके ऊपर गया है, अब यहाँ पे क्लोज दिया है। मार्केट क्या करेगा, कल यहां तक जाएगा, फिर यहां से मार्केट नीचे आएगा। ओके, तो प्लान क्या करना है आपको, यहां पे आएगा तो आपको इस एरिया में अगर एक रेड कैंडल सॉलिड मिले, कब? एक कंसोलिडेशन के बाद। ओके, तो रेड कैंडल मिले तो पुल बैक में आप एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस यहां पे एंट्री लेके उसके ऊपर का स्टॉप लॉस, ये जो जोन है, ये जो लेवल है 18435 के ऊपर, 18440 पे आप स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड ले लो, ये क्वालिटी ट्रेड होगा, यहाँ पे सबसे कम स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। लॉन्गर बिगर ट्रैप्ड ट्रेडर मींस बिगर एंड स्ट्रॉन्गर मूव, मतलब जो ज्यादा कंसोलिडेशन होगा, जितना ज्यादा लंबा टाइम चलेगा, इसका मतलब उतना लंबा मूव चलने वाला है। पर डिमांड इज हायर और ग्रेटर देन सप्लाई, तो प्राइस गोज अप। डिमांड जब सब दोनों के बराबर होगा तो मार्केट एक साइडवेज, एंड जब सप्लाई ज्यादा होगा तो मार्केट डाउन। ओके, तो ये तीन टाइप के मूव्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है। अब और इसमें डिटेल में सीखना है, लर्न हाउ टू एंटर एग्जिट इन द डिमांड एंड सप्लाई जोन, तो ज्वाइन मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, एक महीने का होता है, मंगलवार के दिन इस पर लाइव सपोर्ट मिलता है, उसमें आपको ये सब पैटर्न्स हम सिखाते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड एक कमेंट जरूर बनता है, एक लाइक जरूर बनता है।